नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी देव शक्ति उपाय चैनल में। आज के टॉपिक में हमारे एस्ट्रोलॉजर एस के शास्त्री जी आपको सूर्य के उपाय बताएंगे। आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में, जो कि ऐसा ग्रह है जो अपने आप में ही पिता तुल्य कहलाते हैं। सूर्य पिता का कारक है, यशमान कीर्ति देते हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है, अगर सूर्य अकेला ही आपकी कुंडली में पूरे बल के साथ बैठ जाए तो वह आपको महाशक्तिशाली बना देते हैं, आपको बलवान बना देते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग लेकर बैठ जाए, वह आपको सरकारी नौकरी में लाते तो हैं ही, साथ ही साथ आपको सरकारी पद ऐसा दिला देते हैं जहां पर आपका नाम वर्चस्व गजब का हो जाता है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको अपने पिता द्वारा बहुत पावरफुल गद्दी प्राप्त होगी। आप अपने पिता का और पितरों का आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही में जिसका सूर्य अच्छा है उस व्यक्ति पर कभी भी टूने टोटके काम नहीं करते। अगर हमारा सूर्य अच्छा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर एस के शास्त्री जी के अनुसार कुछ उपाय। सूर्य अर्घ बहुत लोग देते हैं, आपने विशेष अर्घ देना है सूर्य को। अगर आपके शत्रु बहुत बन गए हैं, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत चढ़ गया है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको लाल रोली चावल, लाल फूल की कुछ पंखड़ियों को आपने जल में डालकर ओम भास्कर नमः बोलते समय सूर्य को जल चढ़ाना है। यह उपाय आपने 1.5 साल तक करना है। अगर आपकी आँखों का रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हृदय रोग है और आपकी समस्या बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको यमुना से जल मंगवा लें। उस जल को सूर्य को देने वाले जल में डालकर सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आप एक लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल भर लें, फिर गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। ध्यान रहे दोस्तों, इस समय आपको मांस मदिरा से दूर रहना है। देखिएगा, आपका सूर्य कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको सूर्य का आशीर्वाद जरूर मिल जाएगा और आपको सरकारी नौकरी भी जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को करने से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। अगर फिर भी इन उपायों से जुड़ी जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना देरी के नीचे दिए गए नंबर पर हमारे एस्ट्रोलॉजर एस के शास्त्री जी संपर्क करें, समस्या बता के समाधान पाएं। और दोस्तों, जाने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।